व्हाट्सअप गाइस, कैसा आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं ओप्पो के A53 डिवाइस के बारे में और इसके कलर OS 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 के ऑफिशियल अपडेट के बारे में। यहां पर ओप्पो की तरफ से फाइनली ओप्पो का जो A53 जो डिवाइस है ना, इसके लिए कलर OS 12.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 का ऑफिशियल अपडेट है वो इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंडिया में ओप्पो का A53 डिवाइस है ना वो यहाँ पर यूज करते हो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर कौन कौन से नए फीचर है ना वो देखने को मिलते हैं और कौन कौन से नए चेंजेस है ना वो देखने को मिलते हैं। कंप्लीट चेंज के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को ये पसंद आ रही है, वीडियो को अभी तक भी यहाँ पर लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 200 लाइक का। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हो तो इसको आप लोगों को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि आपके डिवाइस के लिए जैसे फ्यूचर में और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा, अभी भी आप लोगों को कुछ ऐसे सिक्योरिटी के जो अपडेट है ना वो देखने को मिलेंगे, उसके रिगार्डिंग भी आपको वीडियो है ना वो यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर गाइस ये जो इन्फॉर्मेशन है ना वो मैंने आप लोगों के साथ में पहले यहाँ पर शेयर कर दी थी ओप्पो के कलर OS अपडेट के टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जहां पर मैंने आपको बताया था कि ओप्पो A53 जो डिवाइस है ना इसके लिए ऑफिशियल कलर OS 12.1 का जो अपडेट है वो इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और 205 मेंबर्स हैं, उन्होंने इसको देखा और अपने डिवाइस अंदर चेक किया, उनको अपडेट है ना वो यहां पर सच में देखने को मिल गया था। ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं फर्स्ट फीचर के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। आप लोग देख के यहाँ पर समझ गए होंगे कि फर्स्ट फीचर है ना वो आप लोगों को यहाँ पर कौन सा मिलता है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर कलर OS 12.1 का जो अपडेट है ना, इसके अंदर आप लोगों को कंट्रोल सेंटर का एक डिफरेंट ही जो लुक है ना वो देखने को मिलता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर गाइज आप लोग देख तो कंट्रोल सेंटर है ना वो आप लोगों को फुल डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाता है, जो कि इजी टू यूज फीचर है वो आपको मिल जाता है। आप लोग इजिली अपना जो कंट्रोल सेंटर है इसको वन हैंड से यहाँ पर यूज कर सकते हो, तो ये एक अच्छी बात लगी जो कि आप लोगों को इसी ब्रांड न्यू कंट्रोल सेंटर के अंदर देखने को मिलता है। और वहीं गाइस मैं आप लोगों से बात करूं डार्क मोड के बारे में, डार्क मोड की जो एनिमेशन है ना वहां पर काफी ज्यादा यहां पर इंप्रूव की गई है ओप्पो की तरफ से, मतलब कि डार्क मोड के अंदर आपको किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम है ना वो देखने को नहीं मिलेगी, एकदम अच्छी तरीके से यहां पर ये वर्क करती है। और अब गाइस मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं कुछ और चेंजेस के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलता है। तो सिंपली आप लोगों को यहां पर सर्च करना है फाइल्स, तो फाइल्स अगर आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को जो फाइल मैनेजर है इसका ही आप लोगों को एक कंप्लीट डिफरेंट लुक है ना वो देखने को मिलेगा, जहां पर आप लोग देख सकते हो ऊपर की तरफ आप लोगों को फोटोज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट, APK और अचीव के जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिलते हैं, और नीचे की तरफ भी आप लोगों को कुछ एडवांस फीचर है वो देखने को मिलते हैं। अब रिसेंट का जो आप लोगों को यहाँ पर पैनल देखने को मिलता है ना ये भी आप लोगों को यहाँ पर चेंज मिल जाता है, और जो माई फाइल है इसका भी जो लुक है वो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली ब्रांड न्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आया आप लोग वीडियो को यहाँ पर लाइक कर ही सकते हो। अब गाइज मैं आप लोगों से बात करूं एक और चेंज के बारे में, तो यहाँ पर आप लोगों को अपना कीबोर्ड है ना उसको ओपन करना है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेटेरियल यू डिजाइन के साथ में आप लोगों का जो कीबोर्ड है ना वो यहाँ पर वर्क करता है, जहां पर ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है। अभी इसके अंदर मैंने ब्लू कलर है ना उसको सेटअप करके रखा है, और आगे आप लोग इसके अंदर कोई भी कलर है ना यहाँ पर चूज कर सकते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को ब्लू कलर की थीम है ना वो यहाँ पर नजर आ रही होगी कीबोर्ड एप्लीकेशन के अंदर। और वहीं पे अगर आप लोग ओपन करते हो प्ले स्टोर एप्लीकेशन, तो इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी बहुत जो आप लोग कह सकते हो पिंक कलर की यहाँ पर जो कलरिंग है ना वो देखने को मिलती है। आई थिंक आपको वीडियो के अंदर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी नॉर्मल आई से चेक करोगे तो यहाँ पर जो गेम APK ऑफर मूवी और बुक्स के जो ऑप्शन है ना इनके अंदर आपको रेड कलर का कलर कॉम्बिनेशन है ना वो देखने को मिलता है, और अंदर की तरफ आप लोगों को ब्लू कलर का देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को ये आप लोगों को एक छोटा सा चेंज है ना वो देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर एप्लीकेशन के अंदर। और अब बात कर लेते हैं मैसिव चेंजेस के बारे में जो कि आप लोगों को कलर OS 12.1 के मेन फीचर है ना वो देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को सेटिंग एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और ओपन करने के बाद में पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का जो लुक है ना
वो यहाँ पर नजर आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बैटरी वाला जो ऑप्शन है इसको ओपन कर लेना है। तो आप लोग यहाँ पर देख तो आपका जो डिवाइस है ना इसके अंदर बैटरी की पूरी जो सेटिंग का जो लेआउट है ना वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। आप लोग देख तो ऊपर की तरफ आप लोगों को जो 28% का चार्जिंग जो यहाँ पर जो लेआउट देखने को मिलता है वो आपको चेंज मिल जाता है। और अगर आप लोग रिकमेंडेड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जाते हो सो इसका भी जो लेआउट है ना वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज देखने को मिलता है। और नीचे की तरफ आप लोगों को जो ग्राफ देखने को मिलता है ना इसके अंदर भी आप लोगों को डिटेलिंग है वो यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। और आप लोग इससे यहाँ पर पता लगा सकते हो कि कौन सी एप्लीकेशन ने आपकी बैटरी है ना उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रेन किया है। तो ये सारे ऑप्शन है ना वो भी आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल देखने को मिलते हैं ओप्पो के कलर OS 12.1 के अपडेट के अंदर इसी ओप्पो A53 डिवाइस के अंदर। और वहीं गाइस मैं आप लोगों से बात करूं कुछ और चेंजेस के बारे में जो कि आप लोगों को इस अपडेट के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक बार वापस से आपको सेटिंग एप्लीकेशन है इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को ओपन करना है प्राइवेसी ऑप्शन। तो प्राइवेसी ऑप्शन आप लोगों को ओपन कर लेना है और अब आप लोगों को एक ब्रांड न्यू ऑप्शन है वो देखने को मिलता है जिसका नेम है प्राइवेसी डैशबोर्ड। तो इसको आप लोगों को ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर आपको तीन नए ऑप्शन है ना वो देखने को मिलते हैं जैसे कि फर्स्ट तो है लोकेशन, सेकंड है कैमरा और थर्ड है माइक्रोफोन। तो एक बार क्या करते हैं रिकॉर्डर एप्लीकेशन है ना उसको एक बार ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज इसको पहले तो यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर अलो करके नहीं रखा है। तो पहले आप लोगों को परमिशन है ना वो यहाँ पर दे देनी है और उसके बाद में आपको वॉइस है ना उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। तो पता नहीं इसके अंदर थोड़ी अभी यहाँ पर प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर आ रही है लेकिन फाइनली सॉल्व हो चुकी है। सो अब क्या हो रहा है रिकॉर्डर है ना वो रिकॉर्डिंग है उसने स्टार्ट कर दिया है और राइट साइड में टॉप की तरफ आप लोगों को एक डॉट है ना वो देखने को मिलता है जो कि एक ग्रीन कलर का डॉट। और इससे आप लोगों को पता ये चलेगा कि कोई ना कोई एप्लीकेशन है ना वो आपका माइक्रोफोन है वो यहाँ पर यूज कर रही है। अब जैसे कि मैंने इसको यहाँ पर पॉज कर दिया है और इसको डन एक बार कर देते हैं तो इसको सेव कर देना है और अभी क्लोज करके वापस से आपको वही ऑप्शन है ना उसको ओपन करना है। तो अभी ये थोड़ा बहुत रिफ्रेश होने में टाइम लेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फाइनली ये रिफ्रेश हो चुका है और आप लोगों को पता चल जाएगा कि माइक्रोफोन है ना वो यहाँ पर कौन सी एपीके ने यहाँ पर यूज किया है। जैसे कि अभी 7024 पे मैंने यूज किया था तो 724 का आप लोगों को टाइम है ना वो देखने को मिल जाता है, पीएम का आपका टाइम है वो देखने को मिलता है। और वहीं गाइस मैं आप लोगों से बात करूं एक और चेंज के बारे में तो वो आपको देखने को मिलता है कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। तो आप लोगों को क्या करना है एक बार कैमरा एप्लीकेशन है वो आप लोगों को ओपन कर लेना है। सो इसका लेआउट है वो आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है। तो आप लोग देख तो राइट साइड में टॉप की तरफ आप लोगों को एक ग्रीन कलर का डॉट है ना वो देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप लोगों को इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर आप लोग देख तो आप लोगों को एक लोगो है ना वो देखने को मिल जाता है जो कि कैमरा का है। तो सिंपली आप लोगों को इस पे एक बार टैप कर देना है, ध्यान से आप लोगों को टैप करना है तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा बीइंग यूज्ड बाय कैमरा, मतलब कि खुद कैमरा एप्लीकेशन है वो कैमरा को यूज कर रहे हैं इसलिए आप लोगों को ये टेक्स्ट है ना वो नजर आ चुका है। और मान लो यहाँ पर मैं वीडियो है ना उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट मैंने यहाँ पर कर दिया है तो वीडियो यहाँ पर जब भी आप रिकॉर्ड करते हो तो आपका कैमरा प्लस माइक्रोफोन दोनों यहाँ पर यूज में हो रहे होते हैं बैकग्राउंड के अंदर इसलिए आप लोगों को दोनों जो यहाँ पर लोगो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। और इन पे अगर आप लोग यहाँ पर टैप करोगे एक बार टैप कर लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा बींग यूज्ड बाय कैमरा और बींग यूज्ड बाय कैमरा। सो माइक्रोफोन प्लस कैमरा दोनों यहाँ पर जो है ना उनको यहाँ पर कैमरा है ना वो यहाँ पर यूज कर रहा है इसलिए आपको नोटिफिकेशन है वो नजर आ चुका है। और अगर आप लोग किसी से यहाँ पर कॉल पे बात करोगे ना तो भी आप लोगों को राइट साइड में टॉप की तरफ ग्रीन कलर का डॉट है ना वो नजर आ जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है वो इसलिए क्योंकि आपका जो माइक्रोफोन है ना वो यहाँ पर यूज में हो रहा है इसलिए वो आपको ग्रीन कलर का डॉट है ना वो नजर आ रहा है। सो ये गूगल की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट आप लोगों को फीचर है ना वो देखने को मिलता है सिक्योरिटी के अंदर जो कि पर्सनली मुझे काफी पसंद आया है। अगर आप लोगों को ये भी पसंद आया है तो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है
है तो गाइज आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, बाद में आप लोग यहाँ पर लाइक करना भूल जाते हो। और वहीं काफी लोग मेरे से ये पूछते हैं कि मैंने ये जो क्लॉक विजेट है ना वहाँ पर कैसे सेट किए, क्या इसके लिए पैसे है ना वहाँ पर देने पड़ते हैं। तो नहीं गाइज, ये आपको टोटली फ्री है ना वो देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से। जैसे कि मैंने तो अपने होम स्क्रीन के अंदर दो विजेट है ना वहाँ पर सेट करके रखे, लेकिन आप लोग अपने डिवाइस के अंदर फ्री में वन क्लिक के अंदर 200 प्लस विजेट है ना वो सेट कर सकते हो, मतलब कि 200 प्लस विजेट है उनको सेट कर सकते हो वन क्लिक के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लोगों को ओनली 3 मिनट की एक वीडियो है ना उसको वॉच करना पड़ेगा। और जैसे आप लोग 3 मिनट की वीडियो है उसको वॉच कर लोगे, आपको इजिली यहाँ पर पता लग जाएगा कि कैसे आप लोगों को यहाँ पर विजेट है ना वो सेट करने अपने ओप्पो और यहाँ पर जो रियलमी का डिवाइस है उनके अंदर। सो ये वाली मेरी वीडियो है, आपको क्या करना है टेलीग्राम पे सर्च करना है बेस्ट क्लॉक विजेट सहेज सेन, तो मेरे को आप लोगों को ये वाली वीडियो है वो नजर आ जाएगी। तो ये वाली वीडियो है वो आप लोगों को वॉच कर लेनी है, 3 मिनट की वीडियो है, अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। और काफी लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि मैंने ये वाला जो वॉलपेपर है ना वो कहाँ से सेट करके रखा है, क्योंकि अगर आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इसको सेट करोगे तो आपका भी जो डिवाइस है ना वहाँ पर नेक्स्ट लेवल का यहाँ पर लगने वाला है और होम स्क्रीन तो टॉप लेवल की देखने को मिलने वाली है। मेरे से भी काफी लोगों ने यहाँ पर पूछ लिया है कि कौन सा वॉलपेपर है और कौन सा विजेट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करना है और सिंपली आप लोगों को यहाँ पर ऊपर की तरफ सर्च कर लेना है और आप लोगों को सर्च करना है सहेज वॉलपेपर। तो जैसे आप लोग यहाँ पर सर्च करोगे आप लोगों को ये वाला टेलीग्राम चैनल है वो नजर आ जाएगा और यहाँ पर एप्रोक्स 4000 मेंबर हैं वो एक्टिव रहते हैं और यहाँ पर आप लोगों को सारे कमाल कमाल के जो वॉलपेपर है ना वो देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के। और जो मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोगों को थोड़ा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना पड़ेगा और बाद में आप लोगों को वो वॉलपेपर है ना वो नजर आ जाएगा। तो बस 1-2 सेकंड की बात है और यहाँ पर आपको वॉलपेपर है वो नजर आ जाएगा। तो ये वो वॉलपेपर है और इस पे व्यूज है ना वो भी एप्रोक्स 30,000 यहाँ पर चले गए हैं, तो आप लोग खुद समझ सकते हो कितना पॉपुलर ये वॉलपेपर है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो वन क्लिक के अंदर। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों के साथ में वैसे तो और भी कई सारे फीचर है ना वहाँ पर एक्सप्लेन करने थे, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। सो अगर आप लोग चाहते हो मैं इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जो कि जल्दी लेके आऊं, सो आप लोग मुझे बता सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, आप लोगों को वीडियो है ना वहाँ पर जल्दी से जल्दी देखने को मिल जाए। लेकिन यहाँ पर 1-2 नए फीचर है ना वो यहाँ पर पेंडिंग है जिनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपली गाइज आपको सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है, आपको ओपन करना है पर्सनलाइजेशन और नीचे की तरफ आप लोगों को कलर का ऑप्शन है ना वो देखने को मिलता है। अब ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट फीचर है वो आप लोगों को देखने को मिलता है अगर आप लोगों को यहाँ पर कस्टमाइजेशन करना पसंद है आपके डिवाइस के अंदर। अब गाइज आप लोगों को यहाँ पर देख तो आपको कई सारी विंडो है ना वो नजर आ रही होगी, जैसे कि ये तो मैसेज वाली विंडो है प्लस ये कंट्रोल सेंटर की विंडो है और ये आपको मिलती है मेरे हिसाब से, ये मेरे को नहीं पता है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता दीजिए। ये आपको यहाँ पर क्लॉक की मिल जाती है और ये आपको म्यूजिक की मिल जाती है और मे बी ये आपको रिकॉर्डर की देखने को मिलती है। तो इतनी आपको विंडो मिलती है और अभी जो कंट्रोल सेंटर है इसके अंदर मैंने रेड कलर है वो सेट करके रखा है, लेकिन आप लोग ब्लू कलर है ना उसको भी सेट कर सकते हो जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का है। और आप लोगों को ट्रेंडी कलर है वो भी मिल जाता है, क्लासी कलर है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है और जो बियॉन्ड कलर मिल जाता है जो कि येलो कलर का है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और न्यूट्रल का मिल जाता है जो कि डार्क ब्लू कलर का मिलता है। और यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख तो हमारा वॉलपेपर है जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का है, कलरफुल वॉलपेपर है, कई सारे आपको इसके अंदर कलर है ना वो देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, वॉलपेपर कलर पिकिंग का आपको एक ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाता है। अब ये क्या करते हैं, 1-2 सेकंड के अंदर आपकी जो होम स्क्रीन है ना उसके ऊपर जो पर आप लोगों ने लगा रखा है उसके अंदर ये 3-4 कलर है ना उसको चूज कर लेते हैं। जैसे कि मेरे वॉलपेपर के अंदर 3 ही कलर है, सो इसने 3 कलर है उसको चूज कर लिया है और बाद में आप लोगों को यहाँ पर ओके पे प्रेस कर देना है। सो जैसा कि मेरा यहाँ पर होम स्क्रीन का वॉलपेपर है उसके हिसाब से जो कलर है ना वो सेट हो चुके हैं, आप लोग यहाँ पर देख दो आप लोगों को सेम जो कलर है ना वो देखने को मिलते हैं और यहाँ पर भी आप लोगों को सेम कलर है वो मिल जाते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो ये वाली सेटिंग तो यहाँ पर भी आपको सेम कलर है वो मिल जाते हैं। और अगर आप लोगों को इनमें से भी कोई कलर है वहां पर पसंद नहीं आता है, इसलिए ओप्पो की तरफ से कस्टम का एक नया ऑप्शन है वहां पर प्रोवाइड किया गया है, तो कस्टम वाले ऑप्शन पे आप लोगों को यहां पर प्रेस कर देना है। तो आप लोग यहां पर देख तो यहां पर आप लोगों को एक कलर का ऑप्शन है वो मिल जाता है। अब इसके अंदर आप लोग कोई भी कलर है ना वो चूज कर सकते हो, रेड कर सकते हो, आप लोग यहां पर येलो कर सकते हो, ग्रीन कर सकते हो, ब्लू कर सकते हो, पिंक कर सकते हो। तो मेरा फेवरेट कलर यहां पर रेड कलर है तो इसको मैंने यहां पर चूज कर लिया है और सेव कर देना है।
हैं, तो यहाँ पर भी आप जो टेक्स्ट है ना आपको रेड कलर के ही मिलते हैं, यहाँ पर भी रेड कलर का है, और जो कंट्रोल सेंटर है वो भी रेड कलर का यहाँ पर सेट हो चुका है, यहाँ पर भी रेड कलर है, और यहाँ पर भी आपको जो सेटिंग एप्लीकेशन है इसके अंदर रेड कलर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो क्लॉक एप्लीकेशन, तो इसके अंदर भी आप लोगों को जो रेड कलर का कलर कॉम्बिनेशन है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर आपको पूरा फोन है इसके अंदर रेड कलर है वो ही देखने को मिलता है। और अगर आप लोग ओपन कर लेते हो कैलकुलेटर एप्लीकेशन गलती से, वैसे ये ज्यादा लोग इसको यहाँ पर यूज नहीं करते हैं, तो छोटा सा मजाक है। और गाइज आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आपको 555 मैंने सर्च किया है, तो ये जो लाइन है वो भी रेड कलर की है, और ये जो आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिलता है ये भी आपको रेड कलर का ही देखने को मिलता है। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करते हो गूगल फाइल्स एप्लीकेशन, तो इसके अंदर भी आपको एक डिफरेंट कलर है वो मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लू कलर की जो ट्यूनिंग है ना वो देखने को मिलती है कलर की, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अगर आप लोग ओपन करते हो वाईफाई की सेटिंग, तो एक बार ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो कलर मिलते हैं ना वो यहाँ पर रेड कलर के ही देखने को मिलते हैं। तो मतलब ये फीचर है वो काफी ज्यादा आप लोगों को पसंद आया होगा, और वीडियो भी आप लोगों को यहाँ पर पसंद आई होगी। सो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, इस तरीके के वीडियो बनाने के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर मेहनत लगती है, तो आप लोगों को वीडियो को जरूर से यहाँ पर लाइक कर देना है। और गाइज अगर आप लोगों को चैनल पसंद आया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल है इसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर लिंक से अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सर्च कर लेना है यहाँ पर ओप्पो कलर ओएस अपडेट, तो आपको मेरा ये वाला टेलीग्राम नजर आ जाएगा, इसको आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। फ्यूचर में आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है इसको ज्वाइन करने के बाद में। और वॉलपेपर टेलीग्राम चैनल है इसको तो आप लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन कर ही लिया होगा। सो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।